और फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्या है? पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी यहाँ पर जो हमें सारे के सारे समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरणों में ये जो चर है ना, जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अचर। और जो ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चर। तो इन चर को जो है हमें पृथक करना है, एकदम अलग कर देना है सबसे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी ये संख्याएं हमें हटा देनी है ना। तो पहला प्रश्न तो हमने सीख लिया कैसे करना है, लेकिन इसमें देखो ये संख्या किस में है? गुणे में है। ये संख्या किस में है? भाग में है। ये भी भाग में है, ये वापस गुणे में आ गई। तो अब इनको कैसे करेंगे? जो पहला प्रश्न था उसमें जोड़ और बाकी में थे प्रश्न, है ना। अब ये गुणे और भाग में, तो इनको कैसे करेंगे? देखो जैसे ये वाला प्रश्न है 3 × L = 42। इन दोनों के बीच यहाँ कोई निशान नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ गुणे का निशान है, याद रखना। तो यहाँ पर क्या है? 3 × L = 42। तो यहाँ पर मुझे ये 3 हटाना है, तो क्या करें? बराबर के दोनों तरफ अगर बट्टा 3 करेंगे तो ये 3 हट जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर L को रखना है, बाकी सबको हटाना है ना। तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करें? बट्टा 3 कर दो, इधर भी बट्टा 3 कर दो, तो ये बैलेंस रहेगा, है ना। समीकरण क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। जो भी काम हम करते हैं वो बराबर के इस तरफ भी करनी है और इस तरफ भी करनी है, ठीक है, तभी हम इस समीकरण को हल करना बोलते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 3/3 का मतलब क्या हुआ? 3/3 का मतलब हुआ 3 में 3 का भाग देना। तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा, है ना। तो उत्तर कितना आया? 1। यानी 3 से 3 कट जाएगा, ये भी भाग करने का ही तरीका है, 3 से 3 कट जाएगा। तो अब बचा क्या? L बचा। L बराबर 42/3, इसका मतलब होता है 42 में 3 का भाग देना। तो 3 × 3 और 3 × 4 = 12, कितना आया उत्तर? 14। तो हमारा L कितना आएगा? 14 आएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न करने हैं। अब की बार दूसरे वाले प्रश्न में देखो, b/2 यानी b/2 है। तो अब यहाँ पर ये 2 कैसे हटेगा? अगर मैं बराबर के इस तरफ 2 का गुणा कर दूँ तो ये 2 हट जाएगा। जब संख्या गुणे में हो तो भाग करो, जब संख्या भाग में हो तो गुणा करो, लेकिन बराबर के दोनों तरफ करो। तो इस तरफ अब क्या करना? b/2। किसको हटाना? 2 को हटाना, है ना। तो इधर भी 2 का गुणा करो और इधर भी 2 का गुणा करो। अब ऊपर नीचे 2 है तो ये कट जाता है, यानी 2 में 2 का भाग एक बार जाता है, कट जाता है ना। तो बी बराबर, उसके बाद 6 × 2 यानी 6 का पहाड़ा 2 बार बोलना, 6 × 6 = 12। तो यहाँ उत्तर कितना आएगा? b = 12। अच्छा सी, यहाँ पर देखो p/7। तो अब की बार भी ये भाग में दिया हुआ है, तो हटाने के लिए क्या करना? 7 का गुणा करना और बराबर के दोनों तरफ करना। तो ये हो गया p/7 फिर = 4। इस 7 को हटाना, तो 7 का गुणा इस तरफ भी कर दो और 7 का गुणा इस तरफ भी कर दो। तो ये 7 से 7 ऊपर नीचे कट जाएगा और p बचेगा, बराबर बचेगा, और 4 और 7 का गुणा करा दो तो 4 × 7 = 28। तो p का उत्तर कितना आएगा? 28 आएगा। फिर ये वाला देखो, अब की बार संख्या किस में है? गुणे में है, यानी ये है 4 × x = 25। तो जब गुणे में है तो भाग दे दो, बराबर के दोनों तरफ भाग दे दो। किसको हटाना है? 4 का, तो 4 का भाग दे दो। तो इधर भी 4 का भाग दे दो, इधर भी 4 का भाग दे दो। अच्छा तो ये 4 से 4 तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचा? x। फिर ये बचा 25/4, क्योंकि 25 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ई वाला है 8y = 36, यानी ये यहाँ पर क्या है? गुणा है, यानी इसको हम लिखेंगे 8 × y = 36। तो अब मुझे किसको हटाना? 8 को हटाना, और ये किस में दिया हुआ है? गुणे में दिया हुआ है। क्या करें? दोनों तरफ 8 का भाग दे दो, यानी 8/8 इधर भी कर दो और 8/8 इधर भी कर दो। बराबर जो होता है वो बट्टे की सीध में रखने की कोशिश करो, है ना। तो ये तो यहाँ से तो 8 से 8 कट जाएगा। अब यहाँ 36 और 8 भी कटेगा, लेकिन कटने का मतलब क्या होता है? भाग देना होता है। तो 36 में 8 का भाग देंगे, 8 में 36 का भाग देंगे, तो 8 × 36, है ना, 8 × 36
कितनी बार जाएगा भाग, चार बार जाएगा, तो ये उत्तर आएगा चार। तो वाई बराबर कितना आया, चार। ठीक है, अब ये वाला देखो, यहाँ पर अब की बार संख्या भाग में दी हुई है, तो इस तीन को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ तीन का गुणा करो, दोनों तरफ तीन का गुणा करो। तो ये हो गया जेड बट्टे तीन बराबर पाँच बट्टे चार, और अब की बार क्या करना, दोनों तरफ तीन का गुणा करना। ठीक है, भाग में है तो गुणा करके हटाओ, गुणे में है तो भाग करके हटाओ। तो ये तीन से तीन तो हट गया। अब यहाँ पर देखो, ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा है, यानी भाग नहीं जा रहा है, तो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा। नीचे कितना है, यहाँ पर एक है ना, तो ऊपर तो कितना बचा, जेड। ऊपर गुणा कर दो, पाँच त्रिया पंद्रह और चार एकम चार, तो उत्तर कितना आया, पंद्रह बट्टे चार। अच्छा, अब ये वाला देखो, यहाँ पर भी संख्या भाग में दी हुई है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना, दोनों तरफ पाँच का गुणा करना है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, ए बट्टा पाँच बराबर सात बट्टा पंद्रह, यहाँ से मुझे किसको हटाना, पाँच को, तो इधर पाँच का गुणा और इधर भी पाँच का गुणा, तो ये पाँच से पाँच कट जाएगा है ना। तो यहाँ पर क्या बच गया, ए बराबर, और यहाँ पर देखो ये पाँच बट्टा पंद्रह, पाँच बट्टा पंद्रह। काटने का मतलब ये होता है, या भाग देने का मतलब ये होता है, इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें पाँच में भी भाग जाएगा और पंद्रह में भी भाग जाएगा, तो वो संख्या है पाँच। देखो, पाँच का पहाड़ा एक बार बोलने पर पाँच का भाग जाएगा है ना, और पाँच का पहाड़ा मैं अगर तीन बार बोलता हूँ तो पंद्रह आएगा, तो क्या बचा, एक बट्टे तीन। तो यहाँ बचा एक, नीचे बचा तीन, उत्तर क्या आया, सात बट्टे तीन। तो ए का जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, सात बट्टे तीन। अच्छा, अब ये वाला करते हैं, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 20t। 20t का मतलब क्या होता है, 20t का मतलब होता है 20 इंटू टी बराबर माइनस के 10 है ना। अब यहाँ पर गुणे में दिया हुआ है, तो क्या करना, दोनों तरफ भाग देना। तो यहाँ पर भी हम 20 इंटू टी किसका भाग देंगे, 20 का, और इधर भी हम किसका भाग देंगे, 20 का है ना। तो ये 20 से 20 तो कट जाएगा, और यहाँ क्या बचा, टी, और यहाँ पर देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा, माइनस का एक बट्टे दो। तो इस प्रकार से ये हमें दूसरा प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या तीन, देखो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो प्रश्न क्या है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो ये कितने चरणों में प्रश्न हमारा सरल हो जाएगा और उसको हमें बताना भी है। तो चलो इस प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये n है ना, देखो समझना, n है वो आपका क्या है, चर, ठीक है, और ये बराबर है, और बराबर के इस तरफ मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए, चर, इसके अलावा कोई भी नहीं चाहिए। तो केवल n यहाँ पर रखना है, फिर इसको भी हटाना है और इसको भी हटाना है, समझ गए आप। और इधर क्या चाहिए, इधर मेरे को चाहिए अचर। अचर मतलब यहाँ पर कोई भी एक संख्या आ सकती है, तो यहाँ पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी है वो यहाँ पर होना चाहिए, और जो संख्या होगी वो यहाँ पर होनी चाहिए। अब कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो उसको समझो। देखो, तो हमने प्रश्न संख्या एक किया था, प्रश्न संख्या एक में हमने यहाँ पर जो माइनस में संख्या आती थी उसको हटाने के लिए प्लस करते थे, उसी संख्या का क्या करते थे, प्लस करते थे, लेकिन वो बराबर के दोनों तरफ करते थे है ना। जो काम इधर कर रहा हूँ वो काम इधर भी मुझे करना है। तो ऐसे प्रश्न में यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो ये तीन है वो गुणे में है, यानी यहाँ है तीन इंटू एन, फिर ये है माइनस का दो बराबर 46 है ना, इस प्रकार से। तो पहले मुझे यहाँ पर प्लस और माइनस वाली संख्या को हटाना है। अब कैसे हटाना, देखो यहाँ पर ये माइनस का दो है, मुझे इसको हटाना है। तो माइनस का दो जीरो कब होगा, माइनस का दो जीरो कब होगा, जब यहाँ मैं प्लस का दो कर दूँ, तो दो में से दो गया, क्या आया, जीरो है ना। तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ पहला चरण क्या होगा, पहले चरण में यहाँ लिखना है एक लाइन कि बराबर के दोनों तरफ प्लस दो जोड़ने पर, या दो जोड़ने पर, जैसे ही हम दो जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हुआ, देखो 3n माइनस दो प्लस दो बराबर 46। तो यहाँ जो इंटू है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये प्लस दो दोनों तरफ जोड़ दिया, तो इससे क्या हुआ, ये जो दो है वो जीरो हो गया, तो मैंने यहाँ पर इसको काट दिया, जीरो हो गया मतलब मैंने इसको काट दिया है ना। तो अब क्या बना, 3 इंटू एन, ये तो जीरो हो गया, जीरो मतलब इसको हटा दो, अब अपने किसी का काम का नहीं है।
फिर ये बराबर, अब ये देखो 46 प्लस 2 यानी ये 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 48, ठीक है। लेकिन अब भी मेरे पास यहाँ पर ये n अकेला नहीं है, n के साथ कौन है, 3 है, इसको भी मुझे हटाना है। तो पहले चरण में मैंने क्या किया, बराबर के दोनों तरफ 2 को जोड़ा था। अब इस 3 को हटाने के लिए, 3 यहाँ पर किस में है, गुणे में है, तो गुणे में हटाने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। किसका करते हैं, कि जो संख्या गुणे में है उसी का भाग करते हैं। तो दूसरे चरण में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों तरफ 3 का भाग देने पर। तो दोनों तरफ हम 3 का भाग देंगे तो 3 इंटू एन बट्टा 3 बराबर 48 बट्टा 3। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, 3 का भाग दिया। तो यहाँ से तो ये 3 और 3 कट गए, है ना, 3 सेम संख्या कट जाती है ना। और ये 48 बट्टे 3, इसमें क्या करेंगे हम 48 में 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3 पीछे बच गया 1 और ये 8। फिर 3 का पहाड़ा जब हम 6 बार बोलेंगे, 3 छंग 18, तो ये भाग चला जाएगा, उत्तर क्या आया 18। तो यहाँ पर n क्या बचा, इधर n, और इसका हमने भाग दिया तो कितना आया 16। तो n बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करने हैं। बी वाला देखो, बी क्या है, तो यहाँ पर ये 5 तो गुणे में है और ये 7 प्लस में है बराबर 17। तो सबसे पहले मुझे इस 7 को हटाना है। कैसे हटाएंगे, कि अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो इसको माइनस कर दो, यानी दोनों तरफ अब की बार हमें माइनस 7 करना पड़ेगा, तब ये हटेगा। पहले इसी को हटाना है, बाद में इसको हटाना है ना। तो क्या करेंगे, पहले चरण में दोनों तरफ 7 घटाने पर, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, ये हो गया 5m प्लस 7 और बराबर 17। तो इसको हटाने के लिए मुझे यहाँ भी माइनस 7 करना पड़ेगा और यहाँ भी माइनस 7 करना पड़ेगा। तो ये तो दोनों सेम है, तो 7 में से 7 गया 0, मैंने इसको हटा दिया, है ना। तो यहाँ क्या बच गया, 5m बच गया, और यहाँ 17 में से 7 चले गए, कितने बच गए, 10 बच गए। अब ये गुणे में है क्योंकि मैंने तो यहाँ गुणा लगाया है, आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये समझना है कि ये संख्या गुणे में है। तो गुणे में है तो मुझे इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 का भाग देना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर आप जो है दूसरा चरण ये लिखोगे कि बराबर के दोनों तरफ 5 का भाग देने पर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ भी 5 का भाग देना है और यहाँ भी 5 का भाग देना है। तो ये तो 5 से 5 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, m, और यहाँ पर हम 10 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा। तो उत्तर हमारा क्या आएगा, m बराबर 2। नेक्स्ट, अब ये वाला प्रश्न देखो, इसमें एक संख्या गुणे में है और एक संख्या भाग में है। देखो यहाँ पर लिखा हूँ ना 20p, इसका मतलब ये है 20 इंटू पी, और फिर ये बट्टा 3, इसका मतलब ये भाग का निशान है, ध्यान रखना ये भाग में है। 3 किस में है, भाग में, और 20 किस में है, गुणे में। तो सबसे पहले आपको ये जो भाग में दी हुई है संख्या, उसको हटाना है। उसको कैसे हटाते हैं, मैंने अभी पहले वाले प्रश्नों में बताया कि जो भाग में है उसको गुणा करके हटाना। तो यहाँ पर मैं पहला चरण क्या करूँगा, पहले चरण में ये लिखूँगा दोनों तरफ, यहाँ पर 3 भाग में है तो इसका उल्टा 3 का गुणा करेंगे, दोनों तरफ 3 का गुणा करने पर, ये लाइन आपको लिखनी है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे। अच्छा, यहाँ तो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे 3 कट जाता है, और 3 में 3 कटने का मतलब क्या है, 3 में 3 का भाग कितनी बार चला गया, एक बार चला गया, यानी ये सब कट के उत्तर कितना आया, 1, और 1 को जब इससे गुणा कराएंगे तो वही आ जाता है, इसलिए हम ऊपर नीचे जो है काट लेते हैं ना। तो अब यहाँ क्या बच गया, 20 इंटू पी बराबर, और इसका क्या करना है, गुणा, तो 40 का 3 से गुणा करो, कितना आया, 120, तो यह आएगा 120। अच्छा, अब ये गुणे में है, किस में है, गुणे में, तो गुणे में है तो हम किस में हटाएंगे, इस 20 को हटाना है मुझे, तो दोनों तरफ 20 का भाग देने पर, है ना। तो यहाँ पर भी सेकेंड चरण में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 20 का भाग देने पर, तो 20p बराबर 120 जो है, यहाँ भी 20 का भाग देना और यहाँ भी 20 का भाग देना, तो ये 20 और 20 तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया, p। फिर 120 में हमें 20 का भाग देना है, तो कितनी बार बोलेंगे पहाड़ा, 6 बार, है ना, तो ये हो जाएगा 120, क्या आएगा, 6 आएगा, तो p बराबर मेरे पास आएगा 6। इस प्रकार से अपने को ये प्रश्न करना है। अब डी वाला देखो, यहाँ पर पहले मुझे इस 10 को हटाना है। कैसे हटेगा, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर,
तो पहला चरण अपना क्या आएगा, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, तो 3p बट्टे 10, इधर भी 10 का गुणा और इधर भी 10 का गुणा। तो ये यहाँ तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 3p बराबर, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60। अब यहाँ पर दूसरा चरण, मुझे इस 3 को हटाना है और ये गुणे में है, तो गुणे में हटाने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ, यहाँ लिखोगे आप दोनों तरफ 3 का भाग देने पर, तो ये 3p बट्टा 3 भाग दे दिया और 60 बट्टे 3 यहाँ भी 3 का भाग दे दिया, तो ये तो 3 कट गया है ना, और p बराबर इस 60 में जो है हम 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 हो गया। अब ये नीचे 0 उतारेंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लगा दो, यानी भाग कितनी बार गया, 20 बार भाग गया, यानी